है जो हमारी चॉइस होती है खाने की उस पे ये डिपेंड करता है किस तरीके के लिए चीज़ें खाते जाते हैं और बस अपना पेट भर लेते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आपको चीज़ें अच्छा आइडियाज आ रहे हैं। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूट्रिएंट्स या पोषण हमारे बॉडी में जो हम लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, ऐसे कौन कौन से, इनके नाम क्या होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। फर्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम कार्ब्स भी कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो आता है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद आते हैं फैट। ओके, फैट्स। फिर आता है प्रोटीन, फिर आता है विटामिन्स, फिर होते हैं मिनरल्स, वाटर। आपको वाटर में ही सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। ओके, तो ये जो होते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में हमें ज़रूरत होती है फॉर डेली फंक्शन। ओके, तो यही सब आप कुछ भी खाते हैं, आप जो भी चीज़ चूज़ करते हैं कि मुझे ये खाना है या ये चॉइस है आपकी, जो भी आप जितनी भी चीज़ें खाते हैं, चाहे आप ब्रेड खा लें, सैंडविच खा लें, टैंकी खा लें, या फिर आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सैलेड, तो ये सब आप कुछ भी खाते हैं, चना, तो जितने भी आप ये जो फूड हैं ये सब में आपको यही चीज़ें मिलती है। ओके, तो बस हर फूड में इसकी मात्रा ज़्यादा या कम होती है। कुछ चीज़ों में इस चीज़ इसकी कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा होगी, उसमें प्रोटीन कम हो सकता है, किसी चीज़ में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होगा, कार्ब्स कम होंगे, फैट कम होंगे, किसी में विटामिन ज़्यादा होंगे, इस तरीके से ये फूड आपका होता है डिज़ाइन। ओके, तो ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें आप बाहर खाते हैं, फास्ट फूड होता है, जो भी होता है, सब में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा कार्ब्स पाए जाते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो जो कार्ब्स होते हैं वो आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ में मिलते हैं सबसे ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में। ऑलराइट, और इसके अलावा उसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन होगा और फैट होंगे। तो हम क्या करेंगे, अब एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या इस न्यूट्रिएंट का रोल होता है, कैसे ये काम करता है, क्या इसके टाइप्स होते हैं, किस में ये पाया जाता है। तो हम इस तरीके के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्ब्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो अगर हम कार्बो अभी देखते हैं कि जो ये कार्बोहाइड्रेट है, ओके, ये किस किस चीज़ से बना है। तो जैसे कि सबसे पहले है कार्बन, ठीक है, कार्बन। फिर दूसरा है ओ, ओ मतलब ऑक्सीजन। फिर आता है हाइड्रेट यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो अगर हम इसको इसका फॉर्मूला लिख लिए तो दैट इज सी सिक्स एंड H12O6, ये है इसका फॉर्मूला। ओके, तो अभी क्या होता है कि जो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होता है, इससे मिलके बनता है कार्बोहाइड्रेट। और जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जैसे मैं आपको बताया कि आपके हर फूड में पाया जाता है, तो इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो हम देखते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 1 ग्राम में हमें कितना मिलता है, 4.6 किलो कैलोरीज मिलते हैं। ओके, तो हमें हमारे जो बॉडी है, मतलब ये कार्ब्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ऊर्जा देते हैं, है हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी हम फील करते हैं, हम कभी फील करते हैं कि हम एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं, और कभी कभी हमें बहुत एनर्जी महसूस होती है, तो ये जो एनर्जी है ये हमें मिलती है कार्ब्स से। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में ऊर्जा पैदा करते हैं। तो जो ऊर्जा है, तो कितना, 1 ग्राम कार्ब्स में हमको 4.6 किलो कैलोरीज मिलते हैं। ओके, और हमारी बॉडी को पूरे दिन फंक्शन करने के लिए एक्टिवली एनर्जेटिक ऊर्जा मिले, इसके लिए हमें कितना चाहिए होता है, एक दिन में हमें चाहिए होता है 2500 किलो कैलोरीज। इतने कैलोरीज हमें लगते हैं, 2500 किलो कैलोरीज लगते हैं एक दिन में हमें एनर्जी के लिए। तो अगर जैसे हम हर चीज़ का हमने नंबर रखा है कि इतना हमें चाहिए ताकि हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन कर सके, जैसे हर चीज़ का नंबर है, हमें इतना फैट चाहिए होता है पूरे दिन में, बॉडी को इतना फैट चाहिए, तब जितना इतना खाते हैं वो सब एडअप होके, सम अप होके इतना हो जाता है। फिर प्रोटीन इतना चाहिए दिन भर में, विटामिन इतने चाहिए, इसके भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, इस तरह का विटामिन, इस तरह का विटामिन, इस तरह के होते हैं, है ना। तो इसको भी हम देखेंगे, तब तक हम देखते हैं पहले कार्ब्स। जो कार्ब्स है उसको हमें एक दिन में 2500 किलो कैलोरीज चाहिए होते हैं, और हमें 1 ग्राम से 4.6 किलो कैलोरीज मिलते हैं, 1 ग्राम बहुत ही कम होता है, तो इससे आपको इतना मिल जाता है। ओके, तो अभी देखते हैं कि जो कार्ब्स होते हैं ये बहुत सारे इसके फॉर्म होते हैं, ठीक है, इसके फॉर्म होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं जो सबसे बेसिक आपने सुना भी होगा, दैट इज ग्लूकोज। ओके, तो कार्ब्स का जो सबसे फर्स्ट फॉर्म है दैट इज ग्लूकोज। फिर आता है ग्लूकोज के बाद आता है सुक्रोज,
फिर आता है फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, फिर आता है ग्लूकोज, सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज. ये तो हमारे हो गए फर्स्ट तीन. इसके बाद हमारा आता है सेल्युलोज, सॉरी लेट्स सी, सेल्युलोज, देन कम्स स्टार्च. स्टार्च भी आपने बहुत बार सुना होगा. ओके, और ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, सेल्युलोज और स्टार्च. इसके बाद हमारा आता है काइटिन. तो इस ये कुछ फॉर्म्स है कार्बोहाइड्रेट्स के, जिस इन फॉर्म में हमें फूड में मिलता है. तो हम देखेंगे कि कौन से फॉर्म में क्या आता है. ओके, तो सबसे पहले हमारे बॉडी में हम किसी भी फॉर्म में कार्ब्स ले लें, वो लास्ट में ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज के फॉर्म में ही हमारे बॉडी में बन जाता है. ओके, जो हम जो भी खाते हैं ना, वो लास्ट में जाके ग्लूकोज बनता है. ओके, तो ये याद रखना है ये पॉइंट. ओके, अब जो फ्रुक्टोज है, तो फ्रुक्टोज में क्या क्या चीज़ें आती है और सुक्रोज में क्या क्या चीज़ें आती है, वी विल सी दैट. ओके, तो सुक्रोज में क्या आता है, सुक्रोज में आता है सबसे पहले तो शुगर केन. शुगर केन, शुगर केन आपने सुना होगा, गन्ना है ना, और गन्ने से बनती है शुगर. तो जितनी भी मीठी चीज़ें होती है ना, मोस्टली वो उसमें कार्ब्स होते हैं, कार्ब्स पाए जाते हैं. तो जो शुगर केन है, शुगर है, ये इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्ब्स पाए जाते हैं. ये सुक्रोज के फॉर्म में हमारे बॉडी में होता है. इसके बाद जो फ्रुक्टोज है, ये पाया जाता है फ्रूट्स में, फलों में, और फलों से बनती है शहद, हनी. हनी में क्या पाया जाता है, फ्रुक्टोज. तो फ्रूट्स और हनी में होता है फ्रुक्टोज. अब सेल्युलोज क्या होता है, फिर सेल्युलोज बेसिकली ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं इसे. ये पाया जाता है, ये इसे ज़्यादातर एनिमल्स ही डाइजेस्ट कर सकते हैं. तो अगर एनिमल्स की बॉडी में सेल्युलोज जाता है तो दे कैन डाइजेस्ट इट वेरी इजीली. ह्यूमंस जो है वो इसे जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट. आई विल टेल यू लेटर कि क्यों उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं. तो बेसिकली ये जो सेल्युलोज है, ये ट्रीज़ में पाया जाता है. अपनी ट्रीज़ को देखा होगा, कभी अपनी ट्रीज़ को ऐसे करके खींच के उसका पार्ट निकाला होगा, जो लकड़ी होती है, आपने देखा होगा कि ये रेशे में होता है, ऐसे जैसे धागा होता है वैसे पतले पतले रेशे होते हैं. तो जो अपने ट्री को निकाला है, तो कभी ट्री साथ में ऐसे पूरा पार्ट निकल के आता है क्या, नहीं है ना, एक वुड का एक धागे जैसा पीस निकल करके आता है. तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है सेल्युलोज. तो यही जो रेशे जैसी चीज़ होती है, अभी उसी से बनते हैं पेपर्स, है ना, उसी को कुछ ट्रांसफॉर्म करके कंपनी उसका पेपर भी बनाती है. फिर उसी से क्या बनता है, जो हमारे नोटबुक होते हैं ये भी बनते हैं. फिर इसके बाद उसी से फैब्रिक, कपड़ा बनता है. तो ये सारी चीज़ों में क्या, अभी जो मैंने ये कपड़ा पहना है या आपने जो कपड़े पहने हैं, इसमें क्या है, सेल्युलोज है. तो क्या आपने कपड़ा खा लिया तो डाइजेस्ट कर लेंगे उसको, नहीं होगा, है ना. पर एनिमल्स खा लेते हैं, आपने देखा होगा एनिमल्स कपड़े खा लेते हैं, आपको नींद आती है वो सब खा के, है ना. तो ये होता है, इसके लिए आपको हेल्दी कार्ब्स लेना है, टू ट्राई टू गेट अ हेल्दी कार्ब्स ओनली. तो इस तरीके से स्किन के ऊपर पाया जाता है. इसको भी आपने देखा होगा, जब ह्यूमन्स फिश खाते हैं खरीद के, तो उसको नॉर्मली छील देते हैं ना, उसका जो ऊपर का ये हिस्सा था, छीलने था. ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड टॉपिक है, वी डिस्कस इट नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट लेक्चर में हम फैट्स के बारे में